तो गाइस थोड़ा देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं भारत की आखिरी गांव जाएंगे। यहां पे मैप ओपन कर लिया है। तो गाइस 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है मैप, मतलब 10 रुपया में 16 रुपया आता है नेपाल में, ठीक है। इंडिया का 10 रुपया 16 रुपया वो बन जाता है। साला नेपाल आके फंस चुका है, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हो नेपाल चेक पोस्ट में हम लोग आ चुके हैं। ये है नेपाल का सेकंड चेक पोस्ट। इंडिया से जो लोग इधर आ रहा है तो सब लोगों का अच्छा से एकदम चेकिंग कर रहा है। ये जहाँ पे चेकिंग चल रहा है उसी के पास दारू की दुकान है, ठीक है। पान की दुकान में भी दारू मिल रहा है, पता नहीं भाई। गाइस अभी हम लोग सुबह सुबह जो है ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे रक्सोल, ठीक है। ये पहले आप लोग बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है ना मिथिला एक्सप्रेस है, जो पहला लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था, तो उसी से हम जो है मुजफ्फरपुर से रक्सोल जा रहे हैं, ठीक है। रक्सोल तो गाइस हम लोग जो है नवम्बर दिसंबर तक जो है ना नेपाल का जो है वो भी टूर करेंगे, ठीक है। काठमांडू जाएंगे, लेकिन आज फिलहाल हम लोग सिर्फ बॉर्डर का टूर करेंगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा। तो इधर मेरे साथ मेरा भाई है, ये देख सकते हो, इसी से बात कर रहा है लड़की से। इस मिथिला का जो है ना हम लोगों का जो है टिकट है ना जनरल का है, ठीक है। अभी हम लोग जो है खड़ा है B2 में, हम लोग अभी हैं आगे B3 है, B2 है, देख ही सकते हो, नहीं नहीं देख पाऊँ। तो TT अगर पकड़ लेगा तो भाई पूरा एकदम चलो। तो गाइस जनरल में जो है बहुत सारा भीड़ था, इसीलिए हम वहाँ से यहाँ भाग आए। तो गाइस एक स्टेशन आ गया, देख सकते हो, इसके बाद रक्सोल ना, इसके बाद तो रक्सोल। कितना नीचे है भाई, ये देखो 14 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। भाई तुम्हारा नाम क्या है बता। ओए ये देखो गोलू जमा इसका नाम। अरे थोड़ा देखा ना भाई एक बार। 500 नहीं, 250। तो गाइस थोड़ा देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं भारत की आखिरी गांव, भारत की आखिरी गांव में लास्ट गांव, उसके बाद नेपाल रहेगा। गोलू गोलू इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। इसको देखो, इसको देखो, माल पीके एकदम। ये देखिए, देख सकते हैं रक्सोल हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके आगे जो है ट्रेन नहीं जाएगा, यहाँ पे ख़त्म। इसके आगे जाएगा भाई, नहीं जाएगा, हम लेके जाए तो लेके सिर्फ बंदी। ये है रक्सोल जंक्शन, ये देखो नेपाल की स्टाइल में ही है एकदम। और यहाँ पे देखो आई लव रक्सोल, सब लोग साला फोटो खिंचाने लग गया। यहाँ पे लिखा है। तो गाइस अभी हम लोग बॉर्डर जाएंगे, यहाँ पे मैप ओपन कर लिया है। तो गाइस 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है मैप, 16 मिनट का रास्ता है, हम लोग पहुँच जाएंगे नेपाल, ठीक है। पैदल ही जाना होगा। हम लोग अभी टोटो पकड़ चुके हैं, टोटो से 10-10 रुपया लेता है। इधर जाने के लिए बोल रहे ना, इधर इधर से जाएंगे, इधर से इधर ही हम पहले नहीं इधर ही रे देखो देखो गाइस टांगा गाड़ी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार फक साला पूरा खोल के चल रहा नहीं बे। गाइस पैसा बचाना है तो स्टेशन से यहाँ आ जाओ। 10-10 रुपया भी बच जाएगा। स्टेशन इधर ही था, इधर बॉर्डर। तो गाइस ये देखो नेपाल बॉर्डर जो है सामने है, यहाँ पे वेलकम की लिखा हुआ है। ये है पुल, इसको क्रॉस करने के बाद उधर देखो नेपाल का बड़ा वाला झंडा। नज़दीक जाके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हो भाई नेपाल आगे, वहाँ पे चेकिंग फेकिंग होगा क्या?
चेकिंग पता नहीं गाइस क्या होगा, तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखा देंगे क्या होता है आगे। भाई और एक चीज़ की यहाँ का जो करेंसी है ना वो मतलब 10 रुपया में 16 रुपया आता है नेपाल में, ठीक है। इंडिया का 10 रुपया 16 रुपया वो बन जाता है। मतलब भाई नवंबर तक तो हम काठमांडू घूम ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 रुपया में 160 रुपया बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे जो है ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पे दारू का ऐड पीना है क्या? तो गाइस ये देख सकते हो नेपाल चेक पोस्ट में हम लोग आ चुके हैं, एंड ये देखो नेपाल जो है गेट, क्या नेपाल पुलिस के वहाँ बैठा हुआ रे, हाँ चेक पोस्ट पे बैठा हुआ है, पकड़ लेगा तो फोन मेरा जाएगा। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है नेपाल पुलिस, ठीक है। और इधर भी मतलब टोटो ऑटो सब चलता है, देख ही सकते हो एमटी चल रहा है इधर। ये हम लोग आ चुके हैं नेपाल के अंदर भाई, कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी नहीं लगता, इंडिया वालों के लिए सिर्फ छूट है। आप और कोई कंट्री से देख रहे हो तो आपके लिए छूट नहीं है। ओए तो गाइस हम लोग अभी चुप चुप के वीडियो बना रहे हैं। ये है नेपाल का सेकंड चेक पोस्ट, इंडिया से जो लोग इधर आ रहा है तो सब लोगों का अच्छा से एकदम चेकिंग कर रहा है ये लोग, पुलिस नेपाल पुलिस, नेपाल का BSF बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बाइक लेके इंडिया से इधर आ रहे हो तो आपका बैग वैग रहेगा तो सारा कुछ चेकिंग होगा। हम लोग पैदल थे तो इसीलिए हम लोग को जो है चेकिंग नहीं किया। एंड यहाँ पर दारू दुकान बहुत सारा, करेंसी मिल गया हम लोग, ये देख सकते हैं 100 रुपये का 150 मिला, 10 रुपया साला ले लिया। तो गाइस हम लोग साला नेपाल आके फंस चुके हैं, यहाँ पे मेरे पास हम लोग के पास जो है ना करेंसी भी ज़्यादा नहीं है। ये देखो सिर्फ इतना ही बचा है, ये है 10 का, ये देख सकते हैं हम लोग 10 का ऐसे मेरे पास 2 है, ये है 20 का, ठीक है। हम जो है ना कैश ज़्यादा नहीं लेके आए थे, ऑनलाइन मेरे पास है, तो यहाँ पर जाके हम लोग आगे गया था थोड़ा सा, तो वहाँ पर क्या हुआ कि साला ऑनलाइन नहीं बोल रहा है होगा, ठीक है। तो इसीलिए खाना 50 रुपया में, देखो ये मिला है 50 रुपया में, 2 जलेबी है, 1 2 3 4 5 6 पूड़ी और थोड़ा सा सब्जी है। करेंसी को हम घर इंडिया लेके जाएंगे। तो गाइस इधर है आगे है बॉर्डर और हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा जगह है, बहुत अच्छा है यहाँ पे ग्राउंड। और अगर आपको ये बॉर्डर से अगर कहीं काठमांडू या जाना है तो सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है, आगे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो ट्रैवल के लिए सब कुछ वहाँ पे आगे मिलता है। आप लोगों सब सारा कुछ वीडियो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है। भाई अभी हम लोग इंडिया जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग, यही बगीचा था, यहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे थे, मंदिर है इसके अंदर, एक मंदिर है। तो भाई लोग यहाँ पर जो मेरे को एक यूनिक चीज़ देखे वो है दारू की दुकान। तो गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई जहाँ पे चेकिंग चल रहा है उसी के पास दारू की दुकान है, ठीक है। पान की दुकान में भी दारू मिल रहा है, पता नहीं भाई यहाँ बिहार में जो है दारू बंद है और नेपाल में इतना सारा दारू की दुकान, भाई समझ रहे हो भाई, दारू पीना है तो आ जाओ, ठीक है। इतना सारा दारू की दुकान क्यों है मुझे नहीं पता, शायद मुझे लग रहा है कि बिहार में जो बंद है तो सब लोग आके इधर ही पिएगा ना। बात तो सही है। हम लोग रक्सौल जंक्शन में आज के लिए इतना ही, जो है ठीक से नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हम लोग नवंबर महीने में जाएंगे काठमांडू, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सब कुछ जाएंगे। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं।